नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। एसपीएन न्यूज में आज बात करेंगे बिहार की। बिहार में चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर जितनी भी राजनीति पार्टियां हैं वो अपने अपने चुनाव प्रचार की तैयारियों को शुरू कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि शुरुआती माहौल में प्रशांत किशोर और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच तूतू मैमे की लड़ाई शुरू है। अब साथ मसला ये है कि क्या प्रशांत किशोर नीतीश कुमार का साथ देंगे, और सवाल ये भी है कि क्या नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को अपने साथ रखेंगे। दूसरी ओर आप लगातार बिहार में देख रहे हैं कि कन्हैया कुमार जितनी भी रैलियां कर रहे हैं तो कन्हैया कुमार पे वार किया जा रहा है और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल हो रहा है कि बिहार में लगातार इस तरह की घटनाएँ जो सामने आ रही हैं तो आखिर बिहार की प्रशासन क्या कर रही है। इसी को लेकर एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने यात्रा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पे समस्तीपुर पहुंचे और उन्होंने नीतीश कुमार पे निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में विकास का नाम नहीं है, बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये है, और उन्होंने जो निशाना साधा है तो इसमें भी सवाल है कि हालांकि उनका बीजेपी और नीतीश कुमार का गठबंधन है तो इसमें तूतू मैमे निशाना साधना कहाँ तक सही है और इसका क्या मतलब निकलता है, इसको भी समझने की कोशिश कर सकते हैं हम लोग इस चुनावी माहौल में। दूसरी बात, हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि उन्होंने जो कहा कि बिहार में खास करके अपराध बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, तो ये कितना हकीकत बात है, क्योंकि बिहार और यूपी एक ऐसा राज्य है हमारे देश में जिसकी शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा का हाल बहुत ख़राब है। और जहाँ तक बात है भ्रष्टाचार और क्राइम की यानी अपराध की, तो इस पर आप बात ना करें तो कम है, क्योंकि लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं हमारे देश में खास करके यूपी और बिहार में हो ही रही है। तो सवाल ये है कि आने वाले चुनाव में जितने भी राजनीतिक पार्टियां होंगी, सबके अपने अपने घोषणा पत्र होंगे, तो उसमें किन लोगों को, कौन ऐसी राजनीतिक पार्टियाँ हैं जो खास करके लोगों से जुड़े मुद्दों पर बात करने वाली है, खास करके क्योंकि अभी आपने देखा कि दिल्ली में चुनाव हुए, इसमें बीजेपी की करारी हार हुई है और आम आदमी पार्टी की शानदार जीत हुई। उसका वजह ये था क्योंकि उन्होंने काम पे वोट मांगा था और उन्होंने काम किया था। भारतीय जनता पार्टी ने भड़काऊ भाषण दिए, गंदी राजनीति की, जिसकी वजह से उन्हें करारी हार मिली है। तो क्या बिहार और पश्चिम बंगाल भी सामने ही, वहाँ भी इलेक्शन, तो क्या बिहार में ये सब चीज़ देखने को मिलेगा, और क्या बिहार में ये भी देखने को मिलेगा कि इस बार और पहली बार वो मुद्दों पर लड़ा जाएगा जो मुद्दों पर दिल्ली चुनाव में हुए हैं। क्या वो मुद्दों पर चुनाव होगा, क्या वो मुद्दे सब नेता उठाएंगे, क्या जितने भी नेता चुनावी रैली करेंगे, क्या रोजगार, शिक्षा और जितने भी जो आम लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, क्या उन मुद्दों पे बात करी, ये अपने आप में एक अहम सवाल रहेगा। लेकिन हम चाहते हैं और आपसे सवाल एक छोड़ जाते हैं कि क्या बिहार में वाकई भ्रष्टाचार कम हुआ है या बढ़ रहा है, क्योंकि चिराग पासवान ने जैसा कहा, क्या अपराध बढ़ रहा है या घटा है, इस पर भी आपका कॉमेंट मैं चाहूँगा कि आप जब भी इस वीडियो को देखें तो कॉमेंट बॉक्स में लिखे जरूर बताएँ। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, और आने वाले चुनावी माहौल में लगातार हम लोग इसी मुद्दे से जुड़ी बातें करते रहेंगे कि हालांकि हमारे देश में आप देखते हैं कि देश के किसी भी राज्य में जो चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, सब एक दूसरे पे जो है आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, चुनावी माहौल में होता है। लेकिन इस बीच में आप जानते हैं कि चुनाव आयोग की भी एक अलग जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को निभाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये भी देखा जाएगा कि बिहार के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, चुनाव आयोग का क्या योगदान होता है, बिहार प्रशासन का क्या योगदान होता है, और सबसे एक अहम बात कि आपने देखा दिल्ली में कि भड़काऊ भाषण दिए गए, तो क्या इस तरह का बयान बिहार में भी देखने को मिलेगा और उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं, क्योंकि दिल्ली में अभी आपने देखा है कि जो दिल्ली में हिंसा हुई है वो भड़काऊ भाषण के लिए हुआ, चाहे वो बारिश पठान हो या फिर कपिल मिश्रा हो या फिर अनुराग ठाकुर हो, कोई भी हो, लेकिन आपने देखा कि ये भड़काऊ भाषण की वजह से आज दिल्ली, आधी दिल्ली जलती जा रही है। तो कोशिश यही करेंगे हम लोग कि बिहार में ऐसा ना हो, और आप लोगों से कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले चुनाव में जो भी मुद्दे हों उस पर हम लोग अच्छे से बात कर सकें। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज़। नमस्कार।